सुप्रभात। हमारी अधिकांश बीमारियां साइकोसोमैटिक होती हैं, यानी कि मानसिक तौर पर उपजती हैं और शारीरिक तौर पर दिखती हैं। इसीलिए सुबह सुबह शारीरिक योगा के साथ मानसिक योगा करने की भी जरूरत है। कैसे? सोक्रेट्स के पास एक दिन उनका एक पड़ोसी आया। सोक्रेट्स, पता है आपको उस इंसान के बारे में? सोक्रेट्स ने वहीं उसे रोका और कहा, तुम पहले इन तीन छलनियों के टेस्ट को पास करो। पहली छलनी, क्या जो तुम बताने जा रहे हो वो सच है? क्या तुम श्योर हो दैट इट इज द ट्रूथ? उस इंसान ने कहा, नहीं, ये तो कोई सुनी सुनाई बात है। सोक्रेट्स ने कहा, दूसरी छलनी, क्या ये बात दयापूर्ण है, काइंड है, उस इंसान के बारे में कोई अच्छी बात है? तो दोबारा से उस इंसान ने कहा, नहीं, उल्टा मैं तो आपको बताना चाहता हूं कि। सोक्रेट्स ने फिर से रोका और कहा, तीसरी छलनी, कि क्या ये बात इतनी अनिवार्य, इतनी जरूरी है कि इसके बिना मेरा काम ही ना चले या मेरा कोई अहित हो जाए अगर मैं इसे ना जान पाऊं? तो वह इंसान चुप हो गया। बिल्कुल इसी ही तरह हर रोज अपने हर विचार को इन तीन छलनियों से पास करना ही मानसिक योगा है।